#JusticeForRailwayStudents बुधवार को ट्विटर पर #1 ट्रेंड बना रहा। लाखों छात्रों ने अपना आक्रोश ट्वीट्स के माध्यम से जाहिर किया और स्टूडेंट्स का गुस्सा जायज भी है। आखिर 2019 से वो आज तक इंतजार में है कि उनका एग्जाम हो और वो जो सरकारी पर्चे पर लिखी भर्तियां हैं, नौकरियां हैं, वो जमीन पर उतरे, उन्हें नौकरियां मिले। आपको याद होगा छात्रों को परेशान करने वाले रेलवे एग्जाम से जुड़े दो बड़े मुद्दे हमने आपको पिछले कुछ वीडियोस में दिखाए थे, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम। इसी को लेकर स्टूडेंट्स का ट्विटर पर आज बोलबाला रहा। उन्होंने अपनी बात जमकर कही और राहुल गांधी समेत कई नेता भी इस मुहिम में उनके साथ जुड़ते नजर आए। आगे इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूँ निधि तनेजा। दरअसल यहाँ दो बड़े मामले हैं जो स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, एक आरआरबी ग्रुप डी का और दूसरा आरआरबी एनटीपीसी का। इन भर्तियों के लिए जिसने अप्लाई किया वो अब पछता रहा है, क्योंकि 2019 में निकाली गई नौकरी वाली नोटिफिकेशन आज भी ज्यों की त्यों पड़ी है। बता दें एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में 35,208 पदों पर रेलवे में भर्ती की जानी है। इन 35,000 से ज्यादा पदों के लिए तकरीबन 1.25 करोड़ एस्पिरेंट्स ने आवेदन किया था, लेकिन प्रक्रिया उसके भी एक साल बाद ही शुरू हो पाई थी। कोरोना महामारी के बीच एस्पिरेंट्स की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए ये पहली स्टेज की परीक्षा 7 फेज में आयोजित की गई। 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा के सभी चरणों का आयोजन किया गया था। लंबे वक्त के इंतजार के बाद सीबीटी 1 परीक्षा तो हो गई, लेकिन अब रिजल्ट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कब होगा रिजल्ट का अनाउंसमेंट, इसको लेकर छात्र काफी परेशान है। वहीं आरआरबी ग्रुप डी के छात्रों का तो अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है। बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए 2019 में 1,03,769 वैकेंसीज निकाली गई थी। 1.15 करोड़ कैंडिडेट्स ने रजिस्टर भी किया था, लेकिन एग्जाम वो तो हुए ही नहीं। अब इन स्टूडेंट्स का जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स के माध्यम से सीधे सरकार से सवाल है कि आखिर एक एक कदम के लिए क्यों इतना इंतजार करना पड़ता है। जो एग्जाम कब के हो जाने चाहिए थे वो आज 2.5-3 साल बाद भी क्यों नहीं हो पाए हैं। आक्रोशित स्टूडेंट्स ने ट्विटर पर कभी प्रधानमंत्री को तो कभी रेलवे मिनिस्टर को टैग करके मदद मांगी है, लेकिन सुनवाई तो है ही नहीं। सुनवाई तो क्या, एक एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है कि हम आपके इश्यूज पर काम कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो वक्त वक्त पर छात्रों की अलग अलग मुहिम में शामिल होते रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने लिखा, पहले रेलवे में नौकरी एक सम्मान की बात होती थी, आज रेलवे में नौकरी ही नहीं होती, जल्द ही पहले सा रेलवे ही नहीं होगा, जनता से अन्याय बंद करो। वहीं उनकी बहन और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आप अपने खरबपति मित्रों को तो कभी इतना इंतजार नहीं कराते, कृषि कानून बनने से पहले ही उनकी तैयारियां करा दी थी, लेकिन युवाओं से आपकी क्या दुश्मनी है, रेलवे की परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। एनएसयूआई नेशनल प्रेसिडेंट नीरज कुंदन ने रेलवे की नौकरी का सपना देखने वाले इन एस्पिरेंट्स की मांगों को उठाते हुए सरकार से कहा कि भर्तियों के नोटिफिकेशन समय पर जारी किए जाएं, साथ ही समय पर उनकी परीक्षाएं हो और समय पर ही उनका रिजल्ट भी निकाला जाए। वहीं युवा हल्ला बोल के प्रेसिडेंट अनुपम ने लिखा कि पीयूष गोयल से अश्विनी वैष्णव तक रेलवे मंत्री तो बदले, लेकिन स्टूडेंट्स की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। किसी का रिजल्ट ही नहीं आया तो कईयों का तो एग्जाम ही नहीं हुआ। कब तक स्टूडेंट्स को, युवाओं को सिस्टम के इन पिछड़े तरीकों से चलते रहना होगा। भले ही हम कितने दावे कर ले, लेकिन सच तो यही है कि शिक्षा, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में बड़ी बड़ी बातों के बजाय जमीनी मुद्दों से शुरुआत करनी होगी। सरकारी पर्चे पर बची नौकरियों को जमीन पर उतारना होगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।